गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरे ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ, जैसे आपको पता है कि हमारे देश आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी 75 साल पूरे होने पर आज देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे ब्लॉग पे मैं आपको लेके चलूंगा आज मेरी बेटी के स्कूल, जिसका नाम है संपाती हाई स्कूल गुमला, जो गुमला में है। वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मेरी बेटी को स्कूल की तरफ से जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और उनको परी का रोल दिया गया, एंजल का रोल दिया गया। मेरी बेटी अभी तैयार हो रही है परी का रोल के लिए। उसको तैयार करने मेरी मम्मी, मेरी आंटी कमला आंटी, मेरी वाइफ, तीनों लगे पड़े हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वो तैयार हो रही है। और इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको मैं स्टेप स्टेप दिखाऊंगा। जब तैयार हो जाएगी यहाँ से मैं, हम लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल का ब्लॉग भी दिखाएंगे कि वहाँ पे देख सकते दोस्तों बच्चों को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है। जय हिंद ना बेटा। आज क्या है बेटा? जय हिंद। आज क्या है, कौन सा दिवस है? आज हम लोग झंडा फहराएंगे। झंडा फहराएगी ना? आज कौन सा दिन है बेटा? 15 अगस्त। 15 अगस्त है ना? गुड। आज मंडे इसलिए। आज दिन देश क्या हुआ था बेटा? आज के दिन देश आजाद हुआ था। गुड गर्ल, आज के दिन देश आजाद हुआ था ना? आजाद हो गए थे बेटा। इसी खुशी हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अगस्त मनाते ना बेटा, स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र हुए तब लोग बोल के ना बेटा, अंग्रेजों को गुलाम था ना बेटा। हाँ, इसका जूती देखिए, इसका ड्रेस देखिए, इसका जूती देखिए, इसका जूती देखिए, इसका जूती देखिए, इसका ड्रेस देखिए, इसका परी वाला डंडा देखिए। डंडा देखो, परी वाला पलट पलट वैसे नहीं सीधा। हाँ, मेरी बेटी लिपस्टिक लगाते हुए थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, टचअप वचअप कर रही है, देख सकते हैं। जय हिंद ना बेटा, आज हम लोग जय हिंद का समय है ना बेटा। गौरी करना पड़ेगा अभी हमको, वाटर पहनी तो सब कुछ खराब ना हो जाएगा बेटा। जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पूरा बारिश का मौसम है, पानी आया है, थोड़ा बड़ा बूंदाबांदी हुई, बूंदाबांदी हो रही है। मौसम बेहाल है भाई, ये रहा मेरा भाई, ये रहा झंडा। हाँ ना, लगा देंगे फोन में जय हिंद का भी लगा देंगे, क्यों परेशान हो गए?
हाँ हाँ यही पर लगाए। ओके तुम यही कर देना ठीक है, एडिटिंग तुम ही करना ठीक है। जय हिंद हो जाएगा ठीक है। ओके ओके चलो बेटा लेट होता है, लेट होता है, चलते हैं स्कूल। अब पहन रहे पहन रहे चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब इसका स्कूल निकलने वाला है हम लोग बहुत जल्दी। या इसकी मरियम फुआ भी आई हुई है साथ में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल बेल आइकन को दबाएं। सो ये रहा हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं। मेरी मौत आज है मरिया दिवस, तो सभी को जय यीशु खुश परब। बस ये रहा मेरी परी बेटी बंदा रहा बड़ा आप पूरा लो। हम लोग तैयार हो चुके हैं इसका स्कूल जाने के लिए। इधर आ मेरे पास आ, ये रही मेरी परी बेटी जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है पैसे टेस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। परी बनी है इसके स्कूल में आ रहे बच्चे लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए। तुमने क्या बनाया? फौजी बना है। गुड गुड गुड। फौजी क्या करते हैं देश के लिए? गुड, रक्षा करते हैं। वेल डन वेल डन। फिर क्या बनाए छोटू? कुछ बनाए तो देखो क्या बनाए। मांझी बनाए क्या? दूध वाला बना है। वेल डन बच्चे दूध वाला केक निकाल रहा है। वेरी गुड। सर बना है। तू छोटू क्या बना है? यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस है। हेलो करो डॉक्टर भी है। हेलो करो डॉक्टर। और ये हमारे मोदी जी, युवा मोदी जी देश के। ये हमारे सैनिटाइजर। हाँ ये रहा पुलिस, ये रहा पुलिस। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितने कुछ बने हुए हैं। खून न खाना खून नहीं वो पानी है, अभी भी जिसका खून न खाना खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। This dialogue from Rande Basanti, it gives goosebumps to the listeners, but it suits to those fighters who sacrifice their lives for us. Exact as a 22 years boy, he left his family, a perfect job, and he decided to become freedom fighter with his friends Rajguru and Sukhdev. Mahatma Gandhi, he left his perfect household life and led the struggle movements like Dandi March, Satyagraha, and in one of the gatherings of the Freedom वंदे मातरम।
स्कूल, सेंट पैट्रिक स्कूल से मैं वापस जस्ट अभी अभी आया। पानी जोरों शोरों से आ रही है और वहाँ जैसे आप देख सकते हैं गाइस डांस कर रही है आके घर में, जैसे हम लोग लौटे हैं और ये डांस करने लग गई है। ये डांस कर रही है मेरी बेटी। कुछ बोलना चाहती बेटा? सबको बाय बोलो, बाय बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसा आप देख सकते हैं हम लोग घर वापस आ चुके हैं मेरी बेटी के स्कूल से, संत पात्री के स्कूल से। हुआ यूँ कि मेरी बेटी को एक्चुअली भूख लगा था बहुत ज़्यादा, सो मैं भींग भी चुका था ब्लॉग शूट करते करते, सो उसको भूख लगा था। तो मैं बोली थी पापा भूख लगा चलो कुछ खाना है खाना, इसलिए मैं हम लोग को प्रोग्राम छोड़ के घर आना पड़ा। सो अभी मैं कोशिश किया जितना भी हो सका मैं कवर करूँ, बट एक चीज़ छूट गया, झंडोत्तोलन। उसके मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा, मैं उसको आपको दिखा नहीं पाया। रीज़न ये है कि जब झंडोत्तोलन होने वाला था मेरी बेटी का जो पड़ी का स्टिक था वो घर पे छोड़ के चली गई थी। देन हुआ क्या, मेरे को लेने आना पड़ा, इसी दौरान झंडोत्तोलन हो चुका था। सो मैं कवर नहीं कर पाया, सॉरी फॉर देट। अपार्ट फ्रॉम देट मैंने जितना हो सका मैं कवर किया। बच्चों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो गया, नाच गाना हो गया, जो ये प्रोग्राम था आप देख लीजिएगा, जितना भी उसमें मैंने कोशिश करी कवर करने का। बट बेस्ट पार्ट ये लगा कि बच्चों का डेडिकेशन और मोटिवेशन। इतनी पानी आए थी यार, इतनी पानी बारिश हुई थी, बट बच्चे इतने डेडिकेट थे अपने देश के लिए कि वो अपना प्रोग्राम दे रहे थे, भींग के प्रोग्राम दिया। प्लस सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जितने बच्चे यहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे वो क्या लग रहे थे भाई, क्या क्यूट लग रहे थे। अलग अलग सब करेक्टर में थे, आप देखे होंगे, कोई संतरा, कोई हल्फ, सारे फ्रूट्स थे वहाँ पे, सारे फ्रूट बच्चों का फ्रूट्स था, गुब्बारा था, गुच्छा था, बच्चों का फ्रूट्स का गुच्छा था, फूलों का गुच्छा था। साथ में स्वतंत्र सेनानी बने हुए थे, कोई सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कोई फौजी, कोई टीचर, कोई भारत माता की, कोई भारत माता बनी हुई थी, कोई झांसी की रानी। सो अलग अलग जितना ही पोर्ट्रेट था सारा बच्चे लोग अपना किरदार पे थे और सारे क्या लग रहे थे। मैंने कहा क्या क्यूट, क्या मस्त लग रहा था। आप वीडियो पे देखिएगा, इन्जॉय देख लीजिएगा इसको कि बच्चे कैसे लग रहे थे, कमेंट में बताइएगा। सो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा नहीं लगा देन आपको पता है क्या करना है, डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन को दबाइएगा एंड कमेंट कर देगा अच्छा क्यों नहीं लगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, टिल देन बाय, जय हिंद जय भारत।